गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम आस्तु सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, और कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमको इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना होगा या कोई प्रॉब्लम होगी अगर, ओके तो हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। ओके तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका फिगर गिवन है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. Okay, तो इसको फिगर समझेंगे। इसमें फिजिक्स का यूज है। फिजिक्स भी जो क्लास एट में आप लोग पढ़े हैं लाफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसी बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, ओके तो हम लोग देखते हैं पी क्यू आर एस आर टू मिरर पैरेलल टू इसी दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक रे कौन सी जाती है, इंसिडेंट रे जाती है। स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, और ये जो मिरर पी क्यू है कहाँ पर इसको टच करती है, बी पर टच करती है। द रिफ्लेक्ट रे मूव अलॉन्ग द पथ बी सी, और जब भी इस पर क्या होती है पड़ती है तो वहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और किससे पास होती है, बी सी से पास होती है। ओके एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, यह जो आर एस वाला मिरर इसको कहाँ पर टच करती है, सी पर टच करती है। ओके एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग टू सी डी, और किससे किससे पास होती है, सी डी से पास होती है। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी, ये शो करना हमको है। ओके ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी हमको शो करना है, क्लियर। तो लाफ रिफ्लेक्शन जो है, लाफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लाफ रिफ्लेक्शन में जब कोई भी रे किसी भी मिरर पे क्या होती है, लाई होती है, तो उसमें दो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। तो इसका फिगर हम लोग बनाते हैं, फिर समझाते हैं आप लोगों को हैं रब पे। ओके तो इसका फिगर जो है हम लोग बनाते हैं, फिगर इसका जो है, ओके तो टू मिरर हैं, मिरर कौन कौन से हैं, टू मिरर हैं, टू मिरर हैं, कौन कौन से मिरर हैं, पी क्यू आर एस आर टू मिरर, ये मिरर हैं। ओके और एक रे जो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से जाती है, वह किस मिरर पड़ती है, पी क्यू पड़ती है, तो वह रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वह रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको डायरेक्ट बना देते हैं, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। जो रे लाई होती है मिरर पर उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, और जो जाती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट रे। ओके जब इस मिरर पे आती है तो यह मिरर भी क्या करता है, इसको है रिफ्लेक्ट कर देता है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका नेम क्या है, ये जो रे होती है इसका नेम है ए बी, और इसका नेम क्या है, सी डी, क्लियर। और ये जब लाफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, लाफ रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्ट रे होती है उसके मिड में क्या बनता है,
नॉर्मल बनता है, क्या बनता है नॉर्मल, यहाँ पे बनता है नॉर्मल, ओके। और नॉर्मल यहाँ बनता है, यहाँ भी ये क्या रे है, इंसिडेंट रे है। इसके लिए, इस आर एस मिरर के लिए, जो आर एस मिरर है इसके लिए रे क्या है, इंसिडेंट है, और ये क्या है, रिफ्लेक्ट है। और पी क्यू मिरर के लिए ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्ट रे है, ओके। तो यहाँ भी नॉर्मल बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। इसको हम एंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं एंगल कौन सा है, वन है, ओके। एंगल कौन सा है, टू है, और ये एंगल कौन सा है, थ्री। दिस एंगल इक्वल टू थ्री, और एंगल कौन सा है, फोर, ओके। यहाँ पर राइट कर देते हैं, इसको क्या राइट कर देते हैं, एन, और यहाँ पे क्या राइट कर देते हैं, एम, ओके। इसको आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम राइट करके आपको बता दे रहे हैं पूरा। फाइनली टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर दैट इज पी क्यू पैरेलल आर एस। दो प्लेन मिरर हैं पी क्यू और आर एस, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू पर किसके पैरेलल है, आर एस के। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे कौन सी है, ए बी, आफ्टर रिफ्लेक्शन टेक्स द पथ बी सी एंड सी डी। ए बी जब रिफ्लेक्ट होती है तो कौन सा पथ लेती है, बी सी से सी डी, पहले बी सी, ठीक है, जब सी से टच होती है तो फिर किसके पास होती हो, सी डी से पास, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ये जो बी एन और सी एम, बी एन एंड सी एम आर द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। मतलब ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर हैं, एक पी क्यू पर है, दूसरा आर एस पे है, ओके। प्लेन मिरर पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, सिंस बी एन परपेंडिकुलर, बी एन किसी परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे, सीधी सी बात, देखिए बी एन देख रहे हैं, ये पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, और जो ये सी एम है किस पे है, आर एस पे है, एंड सी एम परपेंडिकुलर आर एस, किसके पैरेलल है, आर एस के। और पी क्यू आर एस क्या है, पैरेलल है, पी क्यू आर एस क्या है, पैरेलल है, ओके। बी एन किसके परपेंडिकुलर है, बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू, बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू, और बी एन आर एस के परपेंडिकुलर होगा, ये जो बी एन है ये पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, और किस पे होगा, आर एस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, पहला लाइन है, क्लियर। देखिए ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल, कौन कौन सी, देखिए सीधा सा मैटर है, अगर ये दोनों लाइनें क्या हैं, ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं, तो एक लाइन अगर ये लाइन अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, लाइन यहाँ भी 90 का ऑटोमेटिक एंगल बनाएंगे, 90 का यहाँ भी, 90 का सब 90 होगा, ठीक है। और सपोज़ कर लेते हैं कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये कितना है, परपेंडिकुलर है, ये 90 है, एक लाइन इस पर परपेंडिकुलर, ये भी कितना है, 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे,
क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पे है, ये परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसी टाइप से जब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और ये कितना है 90 है, ये भी कितना 90, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो वी कैन राइट दिस दस बी एन एंड सी एम, बी एम एंड सी एम आर टू, आर टू पैरेलल लाइंस, बी एम एंड सी एन आर टू पैरेलल, मतलब जो 90 डिग्री एंगल क्या है, दोनों पैरेलल हैं। और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन बी सी कट दें, सीधी सी बात है, जब ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। जब ये लाइन, ये लाइन क्या होगी, पैरेलल, तो क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी, ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, क्या होगी, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, क्लियर, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। अगर इसमें नहीं समझा तो मैं इसका एक अलग फिगर बनाता हूँ, सब कुछ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री वाली लाइन है और ये भी लाइन है, क्लियर, और ये जो है ये बी सी हो गया, क्लियर। इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम राइट कर देते हैं बी एन, और इसका नेम क्या हो गया, सी एम, क्लियर। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस एंगल का नेम क्या है, इस एंगल का नेम थ्री है, इसका नेम क्या है, टू है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल से ये जो टू होगा थ्री, इसे टू और थ्री क्या होंगे, इक्वल एंगल, टू इक्वल टू एंगल थ्री, ठीक है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, क्लियर। और एंगल वन जो है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन जो है एंगल टू क्या है, इक्वल है। यू नो अगर एक कोई क्या है, प्लेन है, अगर इस पर कोई रे आती है और क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट, अगर यहाँ पर जो नॉर्मल बनता है, यह इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड करता है, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि यह जो दोनों एंगल हैं, एंगल थ्री एंगल फोर क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल थ्री एंगल फोर इक्वल होंगे, और एंगल वन एंगल टू क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे, क्लियर। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ये क्या है, एक इक्वल होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्लियर। अब देखिए एंगल वन इक्वल टू क्या है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, क्लियर। अब दोनों साइड एंगल वन ऐड करिए, यहाँ भी एंगल वन, तो ये होगा एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल टू, मतलब यह एंगल वन इक्वल टू एंगल टू था ना, तो दोनों साइड एंगल टू क्या किया गया है, ऐड किया गया है, क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, इसे देखिए एंगल वन इक्वल टू एंगल टू था, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हमने एक बार कर लिया, ठीक है। अब क्या है, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, क्लियर, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। अब एंगल थ्री हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो एंगल थ्री ऐड करेंगे तो होगा एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, ठीक है। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ये वी कैन राइट दिस एंगल वन प्लस एंगल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, टू एंगल टू, टू एंगल टू। और इसको हम राइट कर सकते हैं एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू टू एंगल थ्री, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे टू एंगल थ्री, क्लियर। ये दोनों क्या हो गए, क्लियर हो गए। इम्प्लाई दैट एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, ये जो एंगल होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू किसके इक्वल, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के इक्वल होगा। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल टू किसके इक्वल है, एंगल थ्री के इक्वल है। अगर यहाँ पे एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री पुट कर देंगे, ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्वल।
एंगल टू, एंगल टू के लिए कितनी है, एंगल टू के लिए एंगल थ्री है। अगर यहाँ पे एंगल टू के प्लेस पे एंगल थ्री पुट करेंगे तो ये भी टू एंगल थ्री, भी टू एंगल थ्री। जब यह साइड इक्वल होगा तो ये भी साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो वी कैन राइट दिस एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। ओके, दैट मीन्स एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल जो ए बी सी है, ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल क्या है, इक्वल है। अगर इसका मतलब कि ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। क्लियर? तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, दैट इज अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देयरफॉर देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। इसलिए हमको क्या करना है, ये हमको शो करना था कि ए बी सी डी क्या है, पैरेलल है। इसके लिए हम आपको बताए भी थे कि अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल तो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल और करिस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। क्लियर? तो इस टाइप से एक्सरसाइज जो 6.2 है क्या हो चुकी है, लास्ट हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी है, क्लियर, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग उसको देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग देखते हैं इसको है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, थ्योरम जो होती है गिवन है 6.7, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप रिसर्च कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, जब पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों एंगल का जो सम होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्लियर? कि अगर इसमें टू एंगल गिवन है, सपोज कर लेते हैं ये ट्रायंगल, सपोज कर लेते हैं इसको, इसका नेम राइट कर लेते हैं ए बी सी। अगर इसको 30 मान लेते हैं, क्लियर, इसे क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो ये एंगल अगर इसको फाइंड करना होगा, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, तो एंगल कितना निकल जाएगा हमको, 50 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री। क्लियर? ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर? ठीक, ये थ्योरम है, इसको आप लोग, इसको हम प्रूव भी कर देंगे। ओके, पहले आप लोग जानते रहिए इसको, फिर हम प्रूव करवा देंगे इसको। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसकी, जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है, नेक्स्ट थ्योरम। क्लियर? इसकी जो ये थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 6.8। क्लियर? 6.8 में क्या है, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। फिर से देखते हैं, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड को क्या किया गया, प्रोड्यूस कर दिया गया, किसी ट्रायंगल की एक साइड क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, थ्योरम अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इसको। ओके, विथ एग्जांपल, तो विथ एग्जांपल देखते हैं इसको, हम सपोज कर लेते हैं, जैसे अब सपोज कर लेते हैं कोई ट्रायंगल है, क्या है, कोई ट्रायंगल है, इसका नेम क्या है ए, इसका नेम क्या है बी, इसका नेम क्या है सी। इस साइड को हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, इस साइड क्या करते हैं, हम लोग हमें प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस जब करते हैं तो अगर सपोज कर लेते हैं एंगल कितना डिग्री है, 50 डिग्री है,
एंगल कितना है 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो जो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बनता है, क्या बनता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है यह इन दोनों के सम के क्या होता है इक्वल होता है, इन दोनों के सम के क्या होता है इक्वल होता है। दैट मीन्स कि अगर हम 50 और 30 को ऐड करें कितना डिग्री आएगा 80 डिग्री आएगा, कितना डिग्री आएगा 80 डिग्री आएगा। जब 80 डिग्री आएगा तो ये कितना डिग्री आएगा 100 डिग्री आएगा, कितना डिग्री आएगा 100 डिग्री आएगा। क्लियर, क्योंकि इन तीनों का जो सम होता है कितना होता है 180 होता है, 180। आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं या तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि पूरा एंगल कितना होता है 180 होता है, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। एब अगेन अगर समझेंगे, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस थ्योरम का मीन्स क्या है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।